Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. अमेरिका की अपने शहरियों को कनाडा का सफ़र ना करने की हिदायत CDC और स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से हिदायतनामा जारी कर दिया गया। अमेरिका की जानिब से कनाडा में ओमिक्रॉन के फैलाव के सबब ये फैसला किया गया है। टोरंटो के शहरी शदीद सर्दी के लिए तैयार हो जाएं। शहर में दर्ज हरारत -21 से -28 तक जाने का इम्कान। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 25 लाख से तजावज़ कर गई। 20,87,125 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। यूक्रेन के मसले पर रूस और अमेरिका की एक और बैठक बेनतीजा ख़त्म। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप ना देने की ज़मानत नहीं दी। रूस को मजबूत ज़मानत चाहिए कि यूक्रेन को कभी नेटो का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अफगान वज़ीर ख़ारजा की तालिबान मुखालिफ मुज़ाहमती इत्तेहाद को वतन वापस लौटने की दावत। अमीर मुत्तकी का कहना है कि अहमद मसूद और इस्माइल खान किसी तशवीश के बगैर अफगानिस्तान वापस लौट सकते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। अमरीकी अस्पताल में रिकॉर्ड तादाद में ओमिक्रॉन के मरीज दाखिल। कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए चीन के एक और शहर में लॉकडाउन। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के सबब अमेरिका ने अपने शहरियों को कनाडा का सफर ना करने की हिदायत की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के सबब अमेरिका ने अपने शहरियों को कनाडा का सफर ना करने की हिदायत की है। US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और US स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने शहरियों को ओमिक्रॉन मुख्तलिफ किस्म के फैलते हुए COVID-19 केसेस की बढ़ती हुई तादाद की वजह से हमसाया मुल्क कनाडा के सफर के खिलाफ मशवरा दिया है। CDC ने अपनी सफरी सिफारिश को कनाडा के लिए Level 4 वेरी हाई तक बढ़ा दिया। अमरीकियों को हिदायत की गई है कि कनाडा के सफर से गुरेज करें, जबकि महकमा खारजा ने भी पीर के रोज कनाडा के लिए अपनी Level 4 डोंट ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें COVID-19 केसेस का हवाला दिया गया। नवंबर में रियासत हाई मुतहदा ने कनाडा और मैक्सिको के साथ अपनी जमीनी सरहदों से मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा गैर मुल्की शहरियों के लिए पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। मार्च 2020 में COVID-19 वबाई अमराज से निमटने के लिए गैर ज़रूरी मुसाफरों पर आए तारीखी पाबंदियों को ख़त्म कर दिया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जूली की एक तर्जुमान ने कहा, हम CDC के ताज़ा तरीन मशवरों से वाकिफ़ हैं, ये नोट करते हुए कि पिछले महीने ओटावा ने रिहायशियों को गैर ज़रूरी सफ़र के खिलाफ जोर दिया था। कनाडा ने पहली बार मार्च 2020 में वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी का हवाला देते हुए एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन इसे पिछले अक्टूबर में वापस ले लिया था। CDC का कहना है कि अमरीकियों को Level 3 के ममालिक का सफ़र करने से पहले मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से जारी शदीद सर्दी के अलर्ट में कहा गया है कि टोरंटो में कम से कम दर्ज हरारत -21 से -28 तक जा सकता है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो के शहरी शदीद सर्दी के लिए हो जाएं तैयार। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो शहर के लिए इंतहाई सर्द मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से जारी शदीद सर्दी के अलर्ट में कहा गया है कि टोरंटो में कम से कम दर्जा हरारत -21 से -28 तक जा सकता है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि शहर में हालिया मौसम की सर्द तरीन हवाएं चलने का इम्कान है। सर्द हवाओं की वजह से दर्जा हरारत -30°C के करीब महसूस होगा। शदीद सर्द मौसम के सबब आज शहर भर में वार्मिंग सेंटर्स खुलेंगे, जिसका हुक्म शहर के मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ ने पीर की सुबह जारी किया था। महकमे मौसमियात की जानिब से शहरियों को हिदायत की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहने, फ्रॉस्ट बाइट से बचने के लिए खुद को ढांप कर रखें। एहतियात ना करने की सूरत में शहरी चंद मिनटों में ही फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो सकते हैं।
कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमू तादाद 25,39,930 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 30,788 हो गईं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 25 लाख से तजावुज कर गई। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमू तादाद 25,39,930 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 30,788 हो गईं। मुल्क भर में 20,87,125 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 8,78,591 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 10,366 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 7,49,293 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,940 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 3,95,252 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 3,338 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 2,76,875 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,439 है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन में कशीदगी कम करने से मुतालिक सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। रूस पर वाज़े कर दिया कि अदम कशीदगी के बग़ैर नतीजा खेज मुज़ाकरात नामुमकिन हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के मसले पर रूस और अमेरिका की एक और बैठक बेनतीजा ख़त्म हो गई। जनीवा में रूसी वजीर खारजा ने अमेरिकी नायब वजीर खारजा से मुलाकात की, ताहम दोनों रहनुमा किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सके। रूस के नायब वजीर खारजा सरगेई रैबकॉफ अपने वफद के हमरा जनीवा में कायम अमरीकी सिफारती मिशन के दफ्तर पहुँचे, जहाँ उनकी अमरीकी नायब वजीर खारजा के साथ मुज़ाकरात का आगाज हुआ। नेटो के सरबरा ने अपने हालिया बयान में रूस को वार्निंग देते हुए कहा कि यूक्रेन पर हमले की संगीन कीमत चुकानी पड़ेगी। रूसी नायब वजीर खारजा ने कहा कि अमरीका ने यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप ना देने की जमानत नहीं दी। रूस को मजबूत जमानत चाहिए कि यूक्रेन को कभी नेटो का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, जबकि रूस यूक्रेन पर हमले का कोई इरादा नहीं रखता। अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मैन ने कहा कि रूस ने यूक्रेन में कशीदगी कम करने से मुतालिक सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। रूस पर वाजे कर दिया कि अदम कशीदगी के बगैर नतीजा खेज मुज़ाकरात नामुमकिन है। अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर खान मत्तकी ने तालिबान मुखालिफ मुजाहमती इत्तेहाद के अहमद मसूद और इस्माइल खान को यकीन दिलाते हुए कहा कि किसी तशवीश के बगैर अफगानिस्तान वापस लौट सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी ने तालिबान मुखालिफ मजाहमती इत्तेहाद के अहमद मसूद और इस्माइल खान को यकीन दिलाते हुए कहा है कि किसी तशवीश के बगैर अफगानिस्तान वापस लौट सकते हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक ईरान में मौजूद अफगान वजीर खारजा और तालिबान मुखालिफ मजाहमती इत्तेहाद के दरमियान बड़ी मुलाकात हुई है। अमीर खान मुत्तकी की पंजशीर के रहनुमा अहमद मसूद और इस्माइल खान से मुलाकात हुई। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान वजीर खारजा ने वीडियो बयान में मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि पंजशीर के रहनुमा अहमद मसूद इस्माइल खान को यकीन दिलाते हैं किसी तशवीश के बगैर अफगानिस्तान वापस लौट आए, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। अफगान कौमी मजाहमती महाज के करीबी ज़राए ने भी BBC से बात करते हुए इस मुलाकात की तस्दीक की और बताया कि ये मुलाकात ईरान की सालिसी में हुई थी। इस्माइल खान साबिक जहादी कमांडर हैं और एक अरसे तक मगरबी सूबा हेरात के गवर्नर रहे हैं। गुज़िश्ता बरस हेरात पर तालिबान के कब्जे के दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया था, ताहम जल्द रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद वो ईरान के शहर मशहद चले गए। अहमद मसूद साबिक जहादी कमांडर और शुमाली इतिहाद के रहनुमा अहमद शाह मसूद के बड़े बेटे हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वो रुपोश हो गए थे और तालिबान के खिलाफ अफगान कौमी मजाहमती महाज के परचम तले मजाहमत जारी रखने का ऐलान किया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक अफगान वजीर खारजा की ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल अहियान से भी मुलाकात हुई। इस दौरान अब्दुल अहियान ने कहा कि 20 साल से अमरीका की अफगानिस्तान में मौजूदगी खित्ते में कशीदगी का बाइस बनी। अमरीका फौरी तौर पर अफगानिस्तान के मुंजमद असासे जारी करे। अफगान वजीर खारजा का कहना था कि अमरीका की अफगान दुश्मन पॉलिसियों के नतीजे में 80% से ज्यादा अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुकी है।
दूसरी जानिब अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में एक स्कूल के करीब पॉपकॉर्न स्टॉल पर धमाके के नतीजे में 9 तालबे इल्म जाबहक हो गए। दुनिया भर में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 55,14,603 से तजावज़ कर गई है। 31,13,16,780 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए चीन के एक और शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीनी मीडिया के मुताबिक सूबे हेनान के शहर एनयांग में लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत की गई है। चीनी मीडिया का कहना है कि चीन में आज कोरोना के 110 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 55,14,603 से तजावज़ कर गई है। 31,13,16,780 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 26,08,41,036 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरियंट के तेजी से फैलाव के बाद अस्पताल में रिकॉर्ड तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं। अमरीकी महकमा सेहत के अहलकारों के मुताबिक गुज़िश्ता इतवार को अमरीकी अस्पतालों में 1,40,000 से ज्यादा मरीज दाखिल थे। ये तादाद गुज़िश्ता साल की सबसे ज्यादा तादाद से भी ज्यादा है। फाइजर कंपनी का कहना है कि ओमिक्रॉन से बचाव की वैक्सीन मार्च तक मुतारिफ करा दी जाएगी। उधर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बरतानिया में 1,42,000 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं। इटली में 1,00,000 और फ्रांस में 93,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में कोरोना केसेस की मजमू तादाद 3.5 करोड़ से ज्यादा हो गई। ब्राजील में केसेस की मजमू तादाद 2,23,00,000 तक हो गई। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 83,843 तक जा पहुंची हैं, जबकि केसेस 1,43,688 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 64वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,888 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 5,68,650 तक जा पहुंची है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.